अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीश है और मैं आपके गार्डन सेंटर का स्टूडेंट हूँ बैच 17-12 ए। वेल, मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल है कोडेक्स। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा जो है होम पेज है, ठीक है, ये मेरा होम पेज है और ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है कि जिसको भी मुझे फीडबैक करना हो तो वो इस पेज पे आकर मुझे फीडबैक कर सकता है। और इसका डेटा सेव करने के लिए मैंने माई स्क्वेल यूज़ किया हुआ है। ये मेरा अबाउट पेज है, इस पर लोग मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी है वो लॉगिन हो सकता है अपने गूगल अकाउंट से, और जो ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो वो अपना अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। वेल, लॉगिन होने के बाद जब आप यहाँ से गो करेंगे तो गो करने के बाद हमारे पास एक ये स्क्रीन आएगी। जैसे कि मैंने लॉगिन किया हुआ था तो मैंने तो अपने नाम से ही लॉगिन किया है, तो वेल ये है मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद क्या है। यहाँ से मैंने ये कोड कॉपी किया। कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो मतलब कि जो भी हम HTML, CSS या मतलब कि हमें कोई अपना कोड करना होता है तो हम IDE डाउनलोड करते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में आपको IDE डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक बार कोडेक्स लिखना है और उसके बाद आपने अपना काम यहाँ पे शुरू कर देना है। तो देखिए, जैसा HTML में होता है हाईलाइटेड टेक्स्ट, तो ये हाईलाइटेड हो गया। जैसा H1 का H1 हो गया, H3 का H3, बटन का बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी CSS अप्लाई करते हैं। CSS अप्लाई, तो देखिए हमें यहाँ पे कोई रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी CSS यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। जैसे ही हमने अपनी CSS लिखी वैसा हमारी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, ये मेरा चेंज टेक्स्ट का फंक्शन है, मगर इस वक्त ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड किया नहीं है। वेल, अब हम अपना जावा स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। जावा स्क्रिप्ट चेन टेक्स फंक्शन है हमारे पास। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करूँगा तो आप देखें यहाँ पे मेरा चेन टेक्स का फंक्शन कॉल हो गया। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, तो कलर लाइट है, उसको मैं कर देता हूँ डार्क, ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं काम हो रहा है, ठीक है। वेल, अब इसमें आपको एक और चीज़ ये है कि जैसा आपने अपना कोड किया, कोड करने के बाद आपको अपना कोड सेव करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपका कोड डाउनलोड हो गया। और अच्छा, डाउनलोड होने के बाद ये जो जिस फॉर्मेट पर डाउनलोड हो रहा है वो फॉर्मेट है आपका HTML, क्योंकि ये HTML का कोड है तो ये HTML में डाउनलोड हो रहा है। और ये CSS का है तो ये देखिए आप इसका एक्सटेंशन देख लिया, डाउनलोड एक्सटेंशन, ये CSS में डाउनलोड हो रहा है। JavaScript का कोड है तो ये भी JavaScript फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा, उसको हमें कीप करना पड़ेगा। ये देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये मेरे किस फोल्डर में कहाँ है, ये मैंने डाउनलोड किया। ये देखें, ये JavaScript फाइल हो गई, ये HTML हो गई और ये CSS फाइल हो गई। वेल, अब आप जैसे कि चाहते हैं कि भाई मैंने जो कोड किया है वो मैं अपना कोड यहाँ पे दोबारा से खोलूँ, तो इसके लिए आप जैसे चूज फाइल करें, HTML का कोड है, यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद ये आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। वेल, थैंक यू मेरा प्रोजेक्ट वॉच करने के लिए।